जा रहा हूँ बैंगलोर संगीता को छोड़ के। मजे कर रही है घर पे, अरे फ्रेंड्स के पास इतने मजे करेगी, पार्टी करेंगे, पार्टी और तुमको फोटो खींचेंगे। बाय बाय। और इसी के साथ कोलकाता और रायपुर का ट्रिप खत्म करके मैं वापस बैंगलोर आ गया। One week later. Hello everyone. मैं आ गया हूँ बैंगलोर। मैं आया बैंगलोर 21st को, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा। और आज है 26th वीकेंड और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। और मैं आया हूँ आनंद भैया के घर पे। अच्छा, आनंद भैया ने अभी अभी एक रेस्टोरेंट खोला है, तो आनंद भैया का प्लान है मेरे को वहाँ ले जाने का। और जैसा कि मैं फूड फ्रीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाता हूँ अपने लिए भी और लोगों को खिलाता भी हूँ, और उन्होंने भी मेरे हाथ का बहुत खाना खाया हुआ है, ही ऑल्सो एडमायर मी। तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ और के होटल का खाना ट्राई करने वाला हूँ, और आप लोगों को भी बताता हूँ, अगर पसंद आया तो पसंद आएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो नहीं पसंद आएगा। भाई हम तो सीधा बोलने वाले आदमी हैं, ठीक है? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। आ गया हूँ द इंडियन रेस्टो में, और बैठते हैं देखते हैं द इंडियन रेस्टो। लोग अच्छा बनाए, नंबर वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर देखें तो वेज आइटम, नॉन वेज आइटम। अच्छा, होम डिलीवरी इनका चालू है, मिनिमम ऑर्डर 300, टेक अवे है। तो अगर प्राइस पे एक बार आप नज़र घुमा लेंगे ना, तो बहुत ही रीजनेबल दिख रहा है मेरे को। बैक साइड देखते हैं, स्नैक्स आइटम भी काफी सारे, स्टार्टर्स काफी सारे हैं, बटर फुल्का से लेके आपका चिकन पराठा, कीमा पराठा, मैं मतलब ज्यादा जगह देखा नहीं हूँ, मटन कीमा पराठा भी मिल रहा है। मतलब काफी वास्ट मेन्यू कार्ड है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस लगा मेरे को। और मैंने ऑलरेडी दो स्नैक्स ऑर्डर कर दिया है यहाँ पे, कलमी कबाब और फिश टिक्का, दोनों बन रहा है। और साथ साथ मैंने कुछ सूप ऑर्डर किया है, इवनिंग में को सूप पसंद है तो मैंने सूप ऑर्डर किया है, अभी ट्राई करेंगे। और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ द इंडियन रेस्टो में, और मेरी बात हो रही है अनीस भैया के साथ। अनीस भैया जो है इस होटल के ओनर हैं, और मैं यहाँ पे फूड ट्राई करूँगा और भैया के साथ कुछ बातें करते हैं, इस होटल के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या प्लानिंग था, ये होटल अभी क्यों ओपन किया, क्या स्पेशलिटी है, और हम लोग क्या क्या फन कर सकते हैं यहाँ पे आके। मैं अभी मिलवा रहा हूँ आपको अनीस भैया के साथ। हेलो अनीस भैया। हाय। अनीस भैया है आनंद भैया के फ्रेंड, और ये है द इंडियन रेस्टोरेंट्स के मालिक, ओनर और कर्णधार बोल सकते हो आप, जो ये होटल चलाते हैं, अभी नया नया ओपन किया है। तो बेसिकली भैया मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, जैसे मेरे को एम्बियंस बहुत पसंद आया जगह का, अभी हमने नया बनाया है, काफ़ी क्लीन दिखा मेरे को। मैं आते ही मेरा टेम्परेचर चेक किया, हैंड सैनिटाइज किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। भैया तो मेरे को एक बात बताइए, अभी तो कोरोना का टाइम है, ड्यूरिंग लॉकडाउन और ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, और लोग आपके पास आए और यहाँ पे फूड इंजॉय करें, आपने किस तरह से इनिशिएट किया? देखिए ऐसा है कि ये रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया एक्चुअली पोस्टपोन्ड हुआ, मेरे प्लान्स में बहुत पहले से था, बट हमने तब तक वेट करा जब तक कि वैक्सीन नहीं आ गई। अभी जब वैक्सीन आ गई है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लोग अपने अपने वापस जगह पे रिपोजिशन हो रहे हैं, तब हमने सोचा कि ठीक है ये समय सही है। हाँ। तो बताइए व्हाट इज स्पेशल फॉर द वीकेंड्स, स्पेशल क्या है वीकेंड में आप लोगों के आज? हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम लोग आपको नॉर्थ इंडियन टेस्ट, जो फ्लेवर्स होते हैं स्पाइसेस के, कहते हैं खड़ा मसाला जो रॉ होता है,
उसको हम लोगों ने ट्राई किया है कि उस खरे मसाले को लेकर के, स्पाइसेस को लेकर के, उसमें हम लोग उसको ग्राइंड करवाएं एंड देन हम लोग आपको वो टेस्ट प्रोवाइड करें जो यहाँ पर बेसिकली बैंगलोर या साउथ के होटल्स में थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील हो और हमारे नॉर्थ इंडियन टेस्ट प्रॉपर आपको मिल सके। सबसे पहली बात तो जेन्युइन मसाले जो होते हैं, होल मसाले, उनको ग्राइंड करवा के वो लोग फूड बनाते हैं, तो जो टेस्ट आता है वो ऑथेंटिक आता है। दूसरा, ये लोग नॉर्थ इंडियन फूड पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। हाँ जी, और हम लोगों ने बिहार की स्पेशलिटी एक डाली है, लिट्टी विद चोखा, स्पेशली फॉर बिहारी, स्पेशली फॉर बिहारी एंड फॉर एवरीवन। कॉलेज स्टडीज यहीं पर हुई है तो लिट्टी के लिए मैं भी काफ़ी तरसा हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों ना मेरे जैसे बड़े सारे लोग होंगे तो क्यों ना लिट्टी और चोखे का कॉम्बिनेशन दिया जाए वेज के लोगों के लिए। और एक और कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किया है, लिट्टी नॉनवेज के साथ, नॉनवेज मतलब आपको चिकन करी और मटन करी उसके साथ मिले, तो वो कॉम्बिनेशन अगर आप ट्राई करें, आप आइए, वो खरे मसालों के सुगंध के साथ उसको घी डिप्ड लिट्टी चिकन या मटन करी के साथ टेस्ट कीजिए। मतलब एक फूड तो मस्ट है यहाँ पे, मैं भी मतलब बैंगलोर में इतने सालों से रह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पे लिट्टी मिल रहा है। ठीक है, मिल जाता है, पर लिट्टी नॉनवेज के साथ मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, और आई थिंक ये बहुत जोरदार कॉम्बिनेशन है। मतलब चिकन के साथ और मटन के साथ लिट्टी चोखा इज मस्ट ट्राई। तो अभी अभी आया है सूप, हॉट एंड सॉफ्ट सूप, अच्छा है, मेरे को इवनिंग में ना बहुत पसंद है, बहुत ही सुंदर सा टेक्सचर है और काफी ज्यादा क्वांटिटी में चीजें हैं। आई होप कि ये जो क्वांटिटी मैं जो देख रहा हूँ ये सबके लिए रहता होगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मतलब मैं जानता हूँ भैया हैं आप, मतलब बट जेन्युइन सी बात है कि सबके लिए ऐसा हो तो इट्स डेफिनेटली, दिस इज अ वेरी गुड पोर्शन व्हाट आई एम सीइंग। सूप इज वन ऑफ माय फेवरेट, बट दिस इज टू गुड, इसमें मेरे को बहुत ही अच्छा पेपर का एक फ्लेवर आ रहा है जो हॉट एंड शोर में होना चाहिए। हॉट एंड शोर मतलब कई लोग क्या करते हैं, या तो ज़्यादा स्वीट कर देंगे या तो ज़्यादा टैंगी कर देंगे, एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, इट शुड बी बैलेंस। स्पाइसी भी है और हॉट एंड शोर का जो माइल्ड फ्लेवर आता है ना वो भी आ रहा है, कुछ भी ओवर नहीं है। चिकन भी काफ़ी है इसमें, थोड़ा एग्स के पल्स डाले हुए हैं इसमें, कैप्सिकम है, जिंजर गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और मसालों का जो टेस्ट है वो बहुत बैलेंस्ड है। मतलब आपने गर्म मसाले डाले हैं तो बहुत बैलेंस्ड टेस्ट है। होम डिलीवरी किस तरह से कर रहे हैं, किन किन वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, मतलब आपको अगर होम डिलीवरी, हमें अभी कोविड का टाइम है स्पेशली, अभी नेक्स्ट 5-6 मंथ आप भी समझते हैं कि होटल में बैठ के खाने वालों से ज़्यादा ऑर्डर करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो आप उन तक कैसे रीच कर रहे हो, उन तक कैसे पहुंच रहे हो? देखिए जोमेटो पे तो हम लोग लाइव हैं और बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम लोग स्विगी पे भी लाइव हो जाएंगे। एंड फिर आपको मैंने ऑप्शन ये भी रख रखा है टेक अवे का, एंड देन हमारे पास लड़के भी हैं जो कि जाकर के आपको विद इन 3 किलोमीटर एक सर्टन, मतलब डायरेक्ट आपको कॉल करके भी विद इन सर्टन रेंज आपके लड़के हैं जो बिना स्विगी और बिना जोमेटो को भी दे सकते हैं, ये भी डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। मैं लोकेशन आपको शेयर कर दूंगा, इनका सारे लिंक, इनको कहाँ फॉलो करना है, कहाँ से ऑर्डर करना है, मैं सारी चीज़ें अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर फॉलो करिए। और मैं यहाँ पे अभी जस्ट स्टार्टर ट्राई किया है, सूप ट्राई किया है, मैं रात को डिनर भी यही करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैं डिनर का ही प्लान कर लूँगी। फूड इतना अच्छा लगा मेरे को, मैं थोड़ा बहुत कभी टेस्ट किया तो जनरली मेरे को आनंद भैया बोल रहे थे कि नहीं तू खा के देख, तेरे को खाना बहुत अच्छा लगेगा, और मैं बहुत बड़ा फ्रीक हूँ, मैं मेरे आप वीडियोज़ देखो आप यूट्यूब में, तो मेरे मतलब मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तेरे खाने और तेरे ब्लॉग में एक चीज़ कॉमन है कि तू कुछ ना कुछ बना ही रहा होता है नॉनवेज में, या फिर कहीं ना कहीं कहीं जाता है तो खा ही रहा होता है कुछ ना कुछ। तो मेरे ब्लॉग्स में भी अगर आप देखोगे ना तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, और मैं बहुत बड़ा फूड एंथुसियास्ट, तो मेरे को खिलाना खाना और नई नई जगह जाके अच्छा अच्छा फूड ट्राई करना अच्छा लगता है। ये हमने केटरिंग ऑर्डर्स भी लेना स्टार्ट कर दिया है, हाँ, तो किसी भी कोई भी पार्टी के लिए अगर आपको फूड चाहिए या फिर कुछ ऐसा ऑर्डर्स है जो एक सर्टेन आप आकर के यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन हमारा आप फेसबुक पे द इंडियंस रेस्ट्रो करके आप सर्च कीजिए, उस पर भी हमारे पेजेस हैं, पेज बने हुए हैं, जितने भी लिंक है फेसबुक
आपका वेबसाइट जोमेटो स्विगी वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो रात को हम लोग मुर्ग मुसल्लम ट्राई करने वाले हैं, बहुत ही फेमस डिश है, बहुत ही नोन डिश है, बट अगेन बैंगलोर में हर जगह नहीं मिलता है और अच्छा मिलने के चांसेस आर वेरी रेयर। तो वो देखेंगे कैसा है, रात को भी हम लोग आएंगे अभी और डिनर करेंगे। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू। मैं भी शुभकर्म करता हूँ। तो हम लोग आ गए वापस घर आने लगे और हम लोग जो लाए थे वहां से स्टार्टर वो है ये द इंडियन रेस्टो से मैं लेके आया हूँ। इसमें है चिकन कलमी कबाब और फिश टिक्का। पहले मैं फिश ट्राई करता हूँ। काफी फ्रेश है फिश और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। बहुत फीका नहीं है, बहुत स्पाइसी नहीं है, चटपटा है। जरूर ट्राई करना है, अच्छा बना है। मैं खाना सीरियसली भैया, खाना अच्छा है। चिकन मसाला बहुत अंदर तक गया हुआ है और लेग पीस माय फेवरेट, बहुत बढ़िया, बहुत उमदा। चलिए हम लोग खाते हैं, खाने में कंसिडर करते हैं। रात को डिनर के लिए जाना है अभी 10:30 बजे, वहां हम लोग मुर्ग मुसल्लम खाने वाले हैं। तो अभी खाना वाना एंजॉय करते हैं, फिर आपको मिलते हैं होटल में। तो मैं फिर आ गया हूँ अभी द इंडियन रेस्टोरेंट में और अभी डिनर करेंगे हम लोग यहाँ। तो अभी अभी मैंने ना आप लोगों का स्नैक्स ट्राई किया, बढ़िया था, फिश बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, फ्रेश लगा मेरे को। बासा यूज कर रहे हो आप लोग, इंडियन सैल्मन जिसको बोलते हैं, बोनलेस, काफी अच्छा टेस्ट था, बढ़िया था। अभी हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं भैया? मुर्ग मसल्लम है, वाओ दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। राइस है, सिंपल सा खाना है और ये वेज लबाबदार राइस और हम लोग नॉन वेज में खा रहे हैं मुर्ग मसल्लम। मैं ये वेज में आपका वेज लबाबदार भी थोड़ा ट्राई करूंगा, टेक्सचर तो बड़ा क्रीमी सा लग रहा है। मैं तो बोल ही रहा था भैया को कि एक दिन आओ घर पे, आपको मटन बिरयानी खिलाता हूँ मैं। भैया तो मतलब आन भैया तो ऐसे ना कि डिमांड करते हैं बिरयानी खिलाएगा, रे आ जाओ जब आना बिरयानी बनाते हैं। पहले मैं मुर्ग मुसल्लम ट्राई करूंगा, मैं भैया नॉन वेज का ज्यादा फॉन्ड हूँ तो मैं मुर्ग मुसल्लम ट्राई करता हूँ ग्रेवी के साथ। आपके कुक कहाँ के हैं? टू गुड। मेरे को क्या है ना, कोई भी खाना ऐसा नहीं लग रहा है कि ओवर स्पाइसी है। एक होता है ना, कोई भी खाना खा रहे हैं आप, पेट में जलन नहीं हुआ, ये चीज बहुत बड़ा बात है। मतलब वो बिकॉज ऑफ मसाले ओनली। बटर कुल्चा विद वेज लबाबदार ट्राई करते हैं। वेज लबाबदार ऑसम। सीरियसली आपके कुक कौन है, मेरे को नाम बताओ भाई, कौन है? बुलाइए बुलाइए उनको प्लीज। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से हैं आप? चेन्नई। चेन्नई से? आप इतना नॉर्थ इंडियन खाना कैसे बना लेते हैं? मेरे को जानना है। पापा नॉर्थ इंडियन, मतलब बाहर रहे हो? होटल लाइन में। टू गुड, इतना टेस्टी खाना है ना, थैंक यू इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। नहीं, and he cook this wonderful food for us. Must try भाई, बनता है यार, आ जाओ यार गोरमाऊ में। क्या है ये गोरमाऊ रोड के ऊपर, आउटर रिंग रोड के ऊपर, पास में ही है ये। लोकेशन देखो, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और पहुंच जाओ यहाँ पे। साउथ नॉर्थ कॉम्बिनेशन, साउथ एंड नॉर्थ कॉम्बिनेशन और इंडियन, द इंडियंस। तो अभी डिनर विनर कंप्लीट कर लिया है और अभी आन भैया घर जाएंगे, खाना वाना खा लिया है, पेट भर गया है और जाके सो जाएंगे। तो आज के लिए मैं ब्लॉग एंड करता हूँ और कल मिलेंगे आपको। कल आ रही है दीदी, प्रतिमा दीदी, राजेश जी अजी, जिनसे आप ऑलरेडी मिले हुए हो, वो भी यहीं आएंगे, इनके साथ बैठ के मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे। रात को डिनर का प्लान है। हेलो, मैं हूँ आपके साथ, स्विगी में डिलीवरी करते हैं भैया और कॉलेज में भी है। हाँ।
क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, कभी मेरे को मिले हैं द इंडियन चेस्टो में, इनका ऑर्डर लेने आए हैं, इनका मैं व्लॉग कर रहा था और मैं इनको अपना चैनल के बारे में बता रहा हूँ, एंड ही आल्सो इंटरेस्टेड टू स्टार्ट एन यूट्यूब चैनल। तो मैं भी बिल्कुल नया हूँ, 2 महीने हुए हैं मेरे को चालू करके, और ही आल्सो वांट टू स्टार्ट, तो एडमिशन मिलता है, आप भी चालू करो और सोचना नहीं है, जस्ट स्टार्ट इट, शूट टर्म वीडियोस। मनीष कहाँ के हैं आप? बैंगलोर से। बैंगलोर से, मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। All the best to you also, you can start. You can check my channel Travel and Tea in YouTube. All right, thank you. Thank you.